आज हम ये माइक्रोट्रिक का B4 मॉडल जो है सर्किट जिसमें लगता है, ये डिजिटल माइक्रोट्रिक और ये EB900, तो इसमें ये इस तरह का ये सर्किट लगा था और इसका सर्किट उड़ गया था MOSFET। तो यहाँ पे MOSFET भी बदल दिए थे और 2 ड्राइवर लगाए, फिर तीसरा भी लगा दिए, फिर भी इसका ड्राइव पल्स नहीं आ रहा था MOSFET पे। तो इसमें एक ऐसी दिक्कत था, वो दिखा दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। ये MOSFET है, मैं सारा MOSFET लगा दिए थे, उसके बाद में फिर निकालना पड़ा और ये MOSFET मीटर पे सही बता रहा है। ये डायोड रेंज पे हम कर दे रहे हैं मीटर को ये, और ये MOSFET हम चेक कर रहे हैं, ये काला वाला प्रॉब हीट सिंक पे इस पर रख दे रहे हैं और इधर वाला इस पर, तो ये हमारा 450 के आसपास ये बता रहा है और इधर से कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, शॉर्ट बता रहा है, और इधर से ये बता रहा है, और इधर से भी चेक कर रहे हैं तब भी कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो MOSFET हमारा सही बता रहा है, लेकिन इसमें हम लगाने के बाद ये ओवरलोड आ जा रहा है। मैं हम लगा के दिखा दे रहे हैं, MOSFET लगा दिए हैं और ये इसका डिस्प्ले है LED, और ये इसे लगा रहे हैं, ये इसी तरह से ये ना ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, ये मतलब पल्स इसका नहीं आ रहा है। ये इन्वर्टर जहाँ ये LED इन्वर्टर वाली जलने के बाद बुझ जा रही है और ओवरलोड ये करने लगता है। इसमें 3 ड्राइवर भी बदल दिए थे, फिर तीसरे बार लगाएं तो सेवा में सारा MOSFET निकालने के बाद इसका MOSFET हम दूसरे सर्किट पे, यहाँ का MOSFET निकालने के बाद इधर से सारा MOSFET चेक करें तो उसमें एक MOSFET मल्टीमीटर पे तो बता रहा है, लेकिन जैसे सिस्टम में लगाते हैं तो उसके बाद में यही प्रॉब्लम आ रहा है ओवरलोड। तो आज इसीलिए हम ये बता रहे हैं आपको कि कभी भी ऐसा दिक्कत आए तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई ओके सेट में लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, या तो आपके पास ये LCR मीटर है तब भी चेक कर सकते हैं, या आप इस तरह से अगर डिवाइस बनाए हुए हैं तब भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि लगाने के बाद चेक कर लें तो भी कंफर्म हो पाएगा। अब हम ये MOSFET निकाल दे रहे हैं, उसके बाद में दूसरा MOSFET लगा के हम दिखा रहे हैं कि ये सारा ड्राइव पल्स हमारा ओके है। ये MOSFET निकालने पे यहाँ हम रख दे रहे हैं और ये MOSFET ओके है, इसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। MOSFET लगा दिए हैं, और हम इसे DC करंट दे रहे हैं। ये हमारा इन्वर्टर, ये इन्वर्टर LED ऑन ऑफ हो रहा है, ये यहाँ का पल्स भी हम चेक करवा दे रहे हैं। ये चारों चैनल का पल्स ड्राइव हमारा ओके बता रहा है, ये ओके है। तो इसमें ओवरलोड का प्रॉब्लम ये है कि MOSFET भी बदल दे रहे हैं, ड्राइवर IC भी लगा दे रहे हैं, उसके बाद में अगर आ रहा है ओवरलोड तो सबसे पहले आप परेशान ना होइए। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा रहता है ये भी अगर ख़राब रहता है तब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, अगर जिसे एक चैनल का ये रजिस्टेंस अगर ख़राब रहेगा तब भी आपका ऐसे ही ओवरलोड बताएगा, और या फिर MOSFET जिसे आप पुराना MOSFET लगा रहे हैं तब भी ऐसा दिक्कत आ जाता है। तो इसमें तरीका यही है कि कोई ओके सेट पे आप लगा के टेस्ट कर सकते हैं।
ये सारा मॉस्फेट यहाँ का निकाल दिए थे, ऊपर से हम लगा के चेक कर लिए हैं। और ये मॉस्फेट हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको फिर से। चेक करके दिखा दे रहे हैं ये मॉस्फेट इसमें लगाने के बाद। इसमें लगा दिए, ऑन ऑफ नहीं हो रहा, यहाँ पे एलईडी जलने लगेगी। तो हम दूसरा मॉस्फेट, ये सही वाला मॉस्फेट है, इसको हम लगा के दिखा दे रहे हैं। जिसे ये मॉस्फेट हमारा ऑन ऑफ, ये ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है। तो इससे हमारा ये जो है ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, इसी तरह से बताना चाहिए मॉस्फेट। इससे भी चेक हो सकता है। और जैसे सबसे आसान तरीका ये कि आपको मार्केट में भी मिल भी जाएगा, इसमें ये LCR है, अमेजोन वगैरह पर भी मिल सकता है ये इस तरह से। ये यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे लिख के भी आ गया, ये डायबोर्ड बता रहा है, ये GAF बराबर 55 2 MV बता रहा है। ये डायबोर्ड ENF बता रहा है, C6 30 NF डायबोर्ड ये बता रहा है। लेकिन ये चीज़ हम मगर इस मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। डायबोर्ड रेंज पे कर दें इसको, तो ये हमारा ये सही बता रहा है, इधर का शॉर्ट भी नहीं बता रहा है, लेकिन ये इस तरह से डायबोर्ड बताने लगता है, ये इस तरह से भी नहीं बता रहा है। ये मल्टीमीटर से सही बता रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम था इसमें। तीन ड्राइवर आईसी भी यहाँ पे एक फिर लगा दिए, ये दो ड्राइवर आईसी बदल दिए, उसके बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो ये एक मॉस्फेट जो है काफ़ी टाइम इसमें लग गया। तो उसके बाद में अब सारा मॉस्फेट डाल के हम फिर चेक कर रहे हैं, ये सारा मॉस्फेट डाल दे रहे हैं, उसके बाद में देख रहे हैं। यहाँ का मॉस्फेट हम निकालने के बाद साफ़ कर लेंगे डिसोल्डिंग पंप से, उसके बाद में सारा मॉस्फेट लगाने के बाद फिर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मॉस्फेट लगा दिए हैं, अब सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। पेट्रोल से यहाँ पे हम साफ़ कर लिए हैं, ये साफ हो गया। तो उसके बाद में ये मॉस्फेट लगा दिए। और जैसे कि अगर ओवरलोड हो रहा है तो इसके गेट पे जो रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है इसके भी ख़राब होने से ओवरलोड आ जाता है। जिसे हम मॉस्फेट लगा दिए, ड्राइवर आईसी लगा दिए, और अगर जैसे मॉस्फेट नया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अगर ओल्ड मॉस्फेट लगा दे रहे हैं तो कोई मॉस्फेट ऐसा रहता है जिसे अभी हम चेक करके बताए हैं, ओवरलोड उसमें आता रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर आईसी बदलते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन बदलते हैं, जीनर भी बदल देते हैं, तो जीनर भी ख़राब हो सकता है। लेकिन जीनर इस पर 2.2 ओम लगा रहता है, तो हम रजिस्ट्रेशन पे चेक करेंगे तो 2.2 ओम आ रहा, तो हमारा ये सही है जीनर और सही तरीका निकाल के चेक करने का। उसके बाद में इसको हम चेक कर ले रहे हैं, ये हमारा सिस्टम करंट डीसी करंट दे रहे हैं इसको हम, ये डिस्प्ले ऑन ऑफ हो रहा है और ये इसे भी हम चेक कर ले रहे हैं, ये 6.5
9.3 और इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं पहले और तीसरे लेग पे, ये 4.4 6.5 ये हमारा चारों चैनल ओके बता रहा है। अगर किसी में कोई दिक्कत होता या कोई पॉइंट में भी दो चार पॉइंट इधर उधर होता तब भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह दिक्कत दे सकता है। अब हम इसे इसमें लगा के टेस्ट कर ले रहे हैं। ये सर्किट यहाँ पे रख दे रहे हैं और जो इस मास्टर निकाले थे चेक करने के लिए इसका भी मास्टर लगा दे रहे हैं, तब इसको हम फिट कर रहे हैं ताकि इसको हम यहाँ पे डिसोल्ट पंप से साफ कर ले रहे हैं। ये हमारा ओके वाला किट था जिसपे हम वो मास्पेट वो लगा के चेक किए थे, तो एक चैनल का हम निकाल दिए थे उसी पे सारा मास्पेट चेक कर लिए हैं जो ये हमारा ओके सेट था। यहाँ डिसोल्डिंग पंप की मदद से सब सारा सोल्डर साफ कर लिए हैं। अब ये मास्पेट इसमें हम डाल दे रहे हैं। फेज भी लगा दे रहे हैं। यहाँ पे हम सोल्डिंग कर ले रहे हैं, इसको पिरोल से हम साफ कर ले रहे हैं। ये हमारा साफ हो गया। ये डिस्प्ले लगा दे रहे हैं इसमें और इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं। ये डिस्प्ले लगा दी इसमें और ये नेगेटिव वायर लगा दिए। ये पॉजिटिव वायर दे दिए, ये ऑन ऑफ हो रहा है हमारा सर्किट ये। और अभी यहाँ पे हम वोल्टेज भी चेक करा दे रहे हैं। पहले और तीसरे पे ये 8.4 के आसपास है, इधर 3.98 ये दोनों तरफ। ये हमारा इधर से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये 4.2 8.1 यानी ये हमारा चारों चैनल ओके है, ये हमारा सर्किट भी ओके है। इस पर हम मास्पेट लगा के चेक किए थे, ये सर्किट हमारा ओके था, इसको हम रख दे रहे हैं। और इसको हम फिट करके तो ये सर्किट इसमें हम लगा ले रहे हैं, ये इसमें हम बैठा ले रहे हैं, पेज इसका हम लगा देंगे उसके बाद में। इसका हम सारा कनेक्टर लगा दे रहे हैं। अब सर्किट हम इसका फिट कर दिए हैं। अब हम डीसी 12 वोल्ट इसमें लगा दे रहे हैं। ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, उस वाट का बल्ब भी हम लगा के चेक कर ले रहे हैं लोड। ये अब हम चार्जिंग भी देख ले रहे हैं इसका। चार्जिंग भी हमारा कर रहा है, फैन भी चल रहा है। ये हमारा सिस्टम ओके हो गया।